नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 4 विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 17 टोपी और जूता। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे हमने किसके बारे में अभ्यास किया था? डाकिया। किसके बारे में? डाकिया। तो डाकिया यानी क्या? तबाही। तो आपको अच्छी तरह से याद रह गया होगा। अब हम चैप्टर नंबर 17 टोपी और जूता के बारे में अभ्यास करेंगे। टोपी, टोपी यानी टोपी, और जूता यानी शू कहीशू आपने? बूट। गुजराती में आपने जूता यानी कि बूट। तो आप लोगों को पुस्तक में पेज नंबर 36 और 37 पर आपको दिया है, तो आप लोग पुस्तक लेकर बैठे हो तो ध्यान से देखिए कि उसमें आपको चित्र दिया है। क्या दिया है? चित्र। तो चित्र में टोपी दी है और जूता दिया है। तो जो टोपी और जूता है वह आपस में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। तो आपको यह दिख रहा है ना? हाँ। तो क्या है? टोपी और जूता दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो अब हम उसका अभ्यास करेंगे। आप लोग पुस्तक में ध्यान से देखना और सुनना। टोपी तो पैरों में रहता है। टोपी क्या कहती है? टोपी और जूता दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उसमें पहले टोपी जो किससे कि जूते से कहती है कि तू पैरों में रहता है, तू छोटा है, मैं सिर पर रहती हूँ, मैं बड़ी। टोपी जूते से क्या कहती है कि तू पैर में रहता है इसलिए तू छोटा है, लेकिन मैं सबके सिर पर रहती हूँ इसलिए मैं बड़ी। आप लोगों को, आप लोगों के पास टोपी और जूता होगा ना? हाँ। आप लोग भी जूता पहनते हैं, तो जूता कहाँ पहना जाता है? पैरों में। और जो टोपी है वह कहाँ पहनी जाती है? सिर पर, है ना? आप लोगों को भी टोपी पहनना पसंद होगा। अगर ज्यादा धूप हो बाहर तो हम टोपी पहनते हैं, है ना? ज्यादा धूप हो तो हम टोपी पहनते हैं। और जूता है वह हम हर रोज पहनते हैं। घर से हमें बाहर जाना है तो हम पहले क्या पहनेंगे? जूते पहनेंगे। टोपी पहनेंगे नहीं, क्योंकि हमें घर से बाहर जाना है इसलिए हम पहले जूते पहनेंगे। तो जो टोपी है वह सिर पर पहनी जाती है और जो जूता है वह पैरों पर पहना जाता है। तो इसलिए टोपी जूते से क्या कहती है कि तू पैरों में रहता है इसलिए तू कैसा है? छोटा। और मैं सिर यानी क्या? हाँ, माथू। तो सुकेचे टोपी के सुकेचे टोपी जूता ने यानी कि बुढ़ने के तू बदाना पर मारो ने छे एटले तू नानो छे, अने हूँ बदाना माथा पर रहू छू एटले हूँ केवी छू? मोटी छू। जूता कहता है मैं पैरों में रहता हूँ पर कान कितना बड़ा करता हूँ। इससे कहता है टोपी से वह
यानी कि तांबे जो कंकड़ विद्या है कि पत्थर और जो कांच है उससे मैं बचाता हूँ, सही है ना। हम लोग पैर में जब जूता पहनते हैं तो हमसे ये सब जो पत्थर कंकड़ और कांच लगने का जो डर है वह नहीं रहता, क्योंकि जो जूता है वह हमें बचा लेता है। मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में भी पाप धब्बे नहीं होते। क्या कहता है जूता कि मेरी वजह से मिट्टी और जो मिट्टी और कीचड़ है, अभी बारिश के मौसम में तो जब बारिश होती है ना तब क्या होता है कि हर जगह पानी रहता है और कीचड़ मिट्टी और कीचड़ देखने को मिलता है ना। हाँ, तो वह मिट्टी और कीचड़ से हमें बचाता है, यानी कि बचाता है जैसे हम जब जूता पहनते हैं तो हमारे पैर जो है वह गंदे नहीं होते, सही है ना। हाँ, तो फिर टोपी कहती है मैं भी आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती। जो जूता है वह आदमी के पैरों को बचाता है और जो टोपी है वह क्या करती है कि वह हम सिर पर पहनते हैं तो वह क्या करती है कि किससे बचाती है तो कि धूप और धूल से बचाती। धूप यानी कि तड़को, तो जो टोपी है ये सुपर इच्छा अपने तड़का की बचा दे। मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ। इज्जत, इज्जत यानी क्या? आबरू। तो वो क्या कहती है कि मैं आदमी की इज्जत को बढ़ाती हूँ, यानी उनकी आबरू को मैं बढ़ाती हूँ। तो झूठा क्या कहता है, तू सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता, सही है ना। अगर टोपी हमारे सिर पर न हो तो भी हम काम कर सकते हैं, यानी कि तुम अगर आदमी के सिर पर न हो तो भी काम चलता है, पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता। कौन कहता है? जूता। सही बात है ना, टोपी के बिना हमारा काम चलता लेकिन जूते के बिना हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि तो हमें बाहर जाना है तो हम क्या पहनेंगे पहले? जूते। क्या आप लोग कभी भी जूते पहने बिना गए हो? नहीं, तो जूता पहनना जरूरी है। तो देख लो सड़क पर चलते लोगों को, कौन कहता है? जूता। कि देखो ये सड़क पर जो लोग जा रहे हैं उनको तुम देखो। टोपी शायद ही किसी के सिर पर हो पर बिना जूते या चप्पल के कोई नहीं होता, ये भी सही है। क्या कहता है जूता कि तुम सड़क पर यानी कि रास्ते पर जो लोग जा रहे हैं उनको ध्यान से देखो। टोपी किसी के ही यानी कि कुछ ही लोगों के पास टोपी होगी लेकिन जूता हर के हर किसी के पास है, यानी कि जूता हर कोई पहनता है। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है, ये भी सही है ना। कि आज जो आदमी की इज्जत यानी कि जो आबरू है वह उनके जूतों से ही होती है। तो टोपी कहती है हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है, कुछ भी हो हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है। देखो कि टोपी क्या कहती है कि आजकल तेरा भाव बढ़ गया है। अगर हम बाजार में जाए जूते लेने के लिए तो आपको पता भी होगा कि जूते का भाव कितना बढ़ गया है ना। उसकी जो कीमत है वह यानी कि जो कीमत है वह बहुत बढ़ गई है, यानी कि ज्यादा हो गई है। तो क्या कहती है टोपी कि कुछ भी हो पर हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं। कैसे बताओ? जो टोपी है वह सिर को धूप और धूल से बचाती है और जो पैर है वह पांव को कंकड़ पत्थर कांच से बचाते हैं। तो हुई ना सेवा। हाँ, तो क्या कहती है कि सेवा ही हमारा धर्म है। तो क्या आपको सीख मिली कि हमें भी सबकी सेवा करनी चाहिए, है ना। हाँ, तो हमने क्या सीखा इस चैप्टर
सेंटर में ये जो टोपी और जूता है, टोपी और जूता दोनों बातें कर रहे हैं। टोपी क्या कहती है कि मैं सिर पर रहती हूँ इसलिए मैं बड़ी हूँ, और जूता क्या कहता है कि सॉरी टोपी जो है वो जूते को क्या कहती है कि तू सबके पैरों में रहती है इसलिए तू तू छोटा है। तो विद्यार्थी मित्रों समझ में आ गया है, और हम इस चैप्टर का शब्दार्थ देखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे शब्दार्थ लिखे हैं बातें बनाना, यानी हम क्या करेंगे उसको मोटी मोटी बातों पर बातें बनाना है। गुजराती बात में शुभ विश्व के मोटी मोटी बातों पर भी फिर है धूप, धूप यानी तड़को, इज्जत इज्जत यानी क्या जवाब लिखेंगे कि जूता पैरों में रहता है।
होगा, तो क्या जवाब आएगा कि झूठा पांव को कंकड़ पत्थर और कांच आदि से बचाता है। तो ये क्या करता है कि झूठा जो है वह पांव की रक्षा कंकड़ पत्थर और कांच से करता है। फिर है चौथा प्रश्न कि टोपी किनसे सिर की रक्षा करती है, जो टोपी है वह किनसे सिर की रक्षा करती है, ये भी हमने देखा। तो हम क्या जवाब लिखेंगे कि टोपी धूप और धूल से सिर की रक्षा करती है। तो विद्यार्थी मित्रों ये थे हमारे प्रश्न के उत्तर। तो ये हमने देखे और समझे। तो हमने ये चैप्टर देखा कि टोपी और जूता, जो टोपी और जूता दोनों में क्या हो रही थी, बातचीत हो रही थी। टोपी खुद को बड़ी मानती है और वह जूते को क्या बताती है, छोटा।